नमस्कार, आप देख रहे हैं एन बारह समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जहां एक ओर जनता को सर छुपाने के लिए सरकार के द्वारा आवास योजना चलाकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आवास योजना गरीब और असहाय लोगों के लिए महज एक सपना बनकर रह चुकी है। यही कारण है कि 5 साल से चक्कर काटने के बाद भी महिलाओं का दुख जमा पर आ गया। फकर फकर कर रो रही महिलाओं के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 5 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखना यह होगा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना क्या सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी, क्या गरीबों लोगों के इस योजना का लाभ मिल पाएगा या नहीं। अरे सारे आवासीय योजना के लोगों के दस्तावेज हैं और ये अधिकारी मुँह पे चुप्पी मार के बैठे हैं, कानों में रुई ठूस के बैठे हैं और मुँह में दही जमा के बैठे हैं और आंखों पे पट्टी बांध के। अब गरीब कहाँ जाए तो जहाँ जाए कहाँ। अब हम गरीबों की आवाज मुखर होकर उठाएंगे। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तुम लोगों के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चिंता मत करो। देखिए, मैं इंजीनियर आरा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। हम लोग आज अलीगढ़ के लोग जिन तक आवास नहीं, गरीबों के पास जो पात्र हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, डूडा के अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं, उनको लेकर हम आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजबूर होकर करना पड़ा क्योंकि ये नाकारा अधिकारी डूडा के गरीबों को आवास देने के नहीं दे रहे और इन पर आरोप ये भी लग रहा है कि गैर पात्रों को आवंटन किया जा रहा है। जो पात्र ही नहीं है उनको आवासीय योजना में आवंटन हो रहा है, तो गरीब कहाँ जाएगा। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए ये दिया, गरीबों को ये आवास दिया, गरीबों को वो आवास दिया। ये सब झूठे कोरी कोरी बातें हैं जो जमीन पर ध्वस्त होती नजर आती हैं। ये इनके घरों पर छत नहीं है, इनके घर ये इनके घर वाले परेशान हैं कि जो किराए में रह रहे हैं उनके किराए नहीं निकल रहे, लोगों के घरों में मकान मालिक ताले डाल रहे हैं, कहीं कोई झोपड़ी में रह रहा। हम ये कहते हैं इन सबको मकान तत्काल दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए और दूसरा जो आवंटन किए गए हैं उसकी पूरी की पूरी न्यायिक जांच कराई जाए ताकि ये पूरी संलिप्तता, एक जो ये घोटाला जैसा लग रहा है, इसकी पूरी जांच होकर ये बाहर आए और उसके बाद इन सब अधिकारियों को जेल भेजा जाए और गैर पात्रों को जो आवंटन किया गया है वो निरस्त किया जाए। और इससे कम पर हम मानने वाले नहीं, क्योंकि ये गरीबों का मामला है और गरीबों का अधिकार हम लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय अलीगढ़।